Once again, back on public demand. Let me see your energy. बाद में बिहार में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स है। मैक्स किसी जमाने में पुलिस वाला हुआ करता था, लेकिन अब दुनिया में ना पुलिस, ना आर्मी और ना ही नेता होते। दुनिया में आपस में न्यूक्लियर वॉर हुआ। न्यूक्लियर वॉर के बाद हवा जहरीली हो गई, पूरी धरती बंजर हो गई और अब धरती पर कुछ ही लोग बचे। मैक्स को अपने परिवार के विजन आते हैं जिन सबकी अब मृत्यु हो चुकी है। मैक्स अपनी गाड़ी में यहाँ से आगे निकलता है और तभी यहाँ पर गाड़ियों का एक काफिला आता है जो मैक्स की गाड़ी पर टक्कर मारकर उसे पलटा देते हैं। इसके बाद मैक्स को बंदी बना लिया जाता है। ये लोग मैक्स को अपने साथ ले जाते हैं। उसके पीठ पर टैटू बनाया जाता है जिस पर लिखा जाता है ओ नेगेटिव, जो कि मैक्स का ब्लड ग्रुप है। वो एक यूनिवर्सल डोनर है। दरअसल इन लोगों ने मैक्स को अपना गुलाम बना लिया है और इससे पहले कि ये अपनी गुलामी की मोहर से लगाते हैं, मैक्स इनके चुंगल से भाग जाता है। पर ये लोग किसी तरह से मैक्स को एक बार फिर से पकड़ लेते हैं। ये जितने भी लोग हैं सबके सब इमॉर्टन जो के लिए काम करते हैं। इमॉर्टन जो यहाँ पर सबसे ताकतवर इंसान है। वो अपने चेहरे पर एक खास तरह का शिकंजा पहनता है जिसके दोनों साइड दो पाइप लगे होते हैं। इस शिकंजे के जरिए वो सांस ले पाता है, यानी कि उसे जिंदा रहने के लिए शिकंजे को पहनना जरूरी है। इमॉर्टन जो जिस जगह रहता है वो पहाड़ी की एक चोटी है। नीचे बहुत सारे लोग होते हैं जो सबके सब बहुत कमजोर होते हैं। इमॉर्टन जो सबको कहता है कि मेरे जरिए तुम सब ऊपर उठोगे, मैं मुक्ति दाता हूँ। इसके बाद ऊपर से पानी छोड़ता है। पानी देखकर यहाँ पर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इस दौर में पानी की बहुत कमी है। लोग भूख से प्यास से लगातार मर रहे होते हैं, इसीलिए सब पानी के लिए लड़ते हैं। यहीं पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्यूरियोसा होता है और ये भी इमॉर्टन जो के लिए काम करती है। इमॉर्टन जो ने इसे अपने कुछ लोगों के साथ फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लेने के लिए भेजा होता है, पर इससे पहले कि ये फ्यूल स्टेशन पहुंचती, ये अपनी गाड़ी पूरब की तरफ मोड़ लेती है। उसका एक आदमी पूछता भी है कि हमें सीधा जाना था, लेकिन फ्यूरियोसा कहती है कि हम पूरब की तरफ जाएंगे। उसका ऑर्डर कोई भी टाल नहीं सकता क्योंकि वो सबसे सीनियर है, इसीलिए सभी गाड़ियां पूरब की ओर निकल पड़ती है। ये पूरा नजारा इमॉर्टन जो ऊपर से दूरबीन से देख लेता है। वो भागता हुआ एक चेंबर के अंदर जाता है जहां पर उसने 5 लड़कियों को बंदी बनाकर रखा था, जो लड़कियां उसके लिए बच्चे पैदा करेंगी ताकि उसका वंश आगे चल सके। पर अब वो पांचों की पांचों लड़कियां यहां से गायब है। वो समझ जाता है कि फ्यूरियोसा उन्हें अपने साथ ले गई है। वो अपने लोगों को उनका पीछा करने के लिए कहता है। इमॉर्टन की आर्मी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो इमॉर्टन के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। इमॉर्टन जो की आर्मी का नाम वॉर बॉयज है। न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से ये एक बीमारी से ग्रस्त है जिस वजह से इन सबको खून की जरूरत होती है और इसीलिए इन्होंने मैक्स को बंदी बनाया होता है। यहाँ पर एक वॉर बॉय को दिखाया जाता है जो बहुत कमजोर होता है, लेकिन वो फ्यूरियोसा को किसी भी तरह से पकड़ना चाहता है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी के आगे मैक्स को बांध देता है। मैक्स के शरीर से एक पाइप निकल रहा होता है जिससे खून उस वॉर सोल्जर की बॉडी में जा रहा होता है ताकि उसको एनर्जी मिलती रहे और वो जंग में शामिल होकर इमॉर्टन जो के लिए अपनी जान देकर शहीद हो सके। यहाँ पर शहीद होना एक फख्र की बात होती है। वहीं फ्यूरियोसा को दिखाया जाता है जो दूसरे लोगों के इलाके में पहुंच जाती है और वो लोग गाड़ी लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर फ्यूरियोसा के जितने भी साथी होते हैं एक एक करके सभी मारे जाते हैं। पर अब इमॉर्टन जो की वो सेना जो फ्यूरियोसा को पकड़ना चाहती है वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं और जो दूसरे इलाके के लोग होते हैं वो उनसे लड़ते हैं और एक एक करके वो उन सबको मार देते हैं। पर इससे पहले कि फ्यूरियोसा को ये पकड़ते, सामने एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा होता है। फ्यूरियोसा अपनी गाड़ी लेकर उस तूफान के अंदर चली जाती है, लेकिन वो वॉर सोल्जर जिसकी गाड़ी के आगे मैक्स बंधा होता है वो भी फ्यूरियोसा का पीछा करते करते तूफान के अंदर एंट्री कर जाता है। और जब वो फ्यूरियोसा की गाड़ी के पास होता है तो वो अपनी गाड़ी के अंदर बहुत सारा पेट्रोल डाल देता है क्योंकि वो अपनी गाड़ी में आग लगाकर ब्लास्ट करके अपनी जान देकर फ्यूरियोसा को रोकना चाहता है। पर इससे पहले कि वो ब्लास्ट करता, मैक्स उसका हाथ पकड़ लेता है और अगले पल उसकी गाड़ी फ्यूरियोसा की बड़ी गाड़ी से टकराती है। वॉर सोल्जर की गाड़ी पलट जाती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि तूफान पूरी तरह से शांत हो चुका है। मैक्स जिंदा है पर वॉर सोल्जर मारा गया। वो उसे जंजीर से बंधा होता है, इसीलिए वो उसे उठाकर अपने कंधे पर उस गाड़ी तक ले जाता है जिस गाड़ी में फ्यूरियोसा 5 लड़कियों के साथ भागी थी। वो पांचों लड़कियां वहां पर होती है। मैक्स उनकी तरफ गन तान देता है और उनसे जंजीर काटने के लिए कहता है। पर जब एक लड़की जंजीर काट रही होती है तो फ्यूरियोसा मैक्स के ऊपर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और तभी वो वॉर सोल्जर जो मैक्स की जंजीर से बंधा होता है वो उठ जाता है। दरअसल वो मरा नहीं होता, वो सिर्फ बेहोश हुआ था। वो किसी भी कीमत पर फ्यूरियोसा को पकड़ना चाहता है ताकि इमॉर्टन जो उसे मुंह मांगा इनाम दे। मैक्स और वॉर सोल्जर दोनों मिलकर फ्यूरियोसा को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेते हैं। वॉर सोल्जर ही देखकर खुश हो जाता है। वो मैक्स की जंजीर काट देता है, लेकिन मैक्स उसे पंच मारकर गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है। फ्यूरियोसा के साथ जो 5 लड़कियां होती है जिन्हें वो इमॉर्टन जो की कैद से छुड़ा कर लाई है, वो उन्हें कहती है कि अगर बचना है तो मेरे साथ चलो, क्योंकि पीछे से इमॉर्टन जो की पूरी सेना इन्हें पकड़ने के लिए आ रही होती है। फ्यूरियोसा उस गाड़ी की तरफ भागती जो मैक्स यहाँ से लेकर चला था। वो कुछ ही दूर जाकर रुक गया होता है। फ्यूरियोसा वहां पहुंच जाती है। मैक्स से कहती है कि मैंने इसमें एक सीक्वेंस सेट किया है, ये मेरे बिना नहीं चल सकता, इसीलिए मैक्स को इन सबको अपने साथ गाड़ी में यहाँ से लेकर जाना पड़ता है। ये सब के सब आगे बढ़ते हुए पहाड़ी चट्टानों के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक गैंग होता है, ये इलाका उनका है। फ्यूरियोसा कहती है कि मैंने इनसे डील की थी, ये हमें यहाँ से जाने दें। मुझे नहीं पता कि हमें जाने देंगे कि नहीं। वो पांचों लड़कियों को और मैक्स को गाड़ी के अंदर छुपने के लिए कहती है और इसके बाद वो उनके इलाके में एंटर कर जाती है। यहाँ पर इन लोगों का जो सरदार होता है वो कहता है तुमने कहा था कि कुछ ही लोग तुम्हारा पीछा करेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 जंगी पार्टियां तुम्हारा पीछा कर रही है। फ्यूरियोसा ने यहाँ से गुजरने के बदले इन्हें तेल देने का वादा किया था जो इनकी गाड़ी के पीछे एक गोल से टैंकर में होता है। और इससे पहले कि वो उस टैंकर को अलग करती, फ्यूरियोसा देखती है कि पीछे से इमॉर्टन जो अपने लोगों के साथ इन तक पहुंचने वाला होता है, इसीलिए मैक्स गाड़ी स्टार्ट करता है और यहाँ से निकाल लेता है। फ्यूरियोसा गाड़ी में किसी तरह से बैठ जाती है। जिन लोगों का ये इलाका है वो सामने की एक चट्टान को ब्लास्ट कर देते हैं जिससे अंदर आने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। इमॉर्टन जो और उसकी आर्मी जिसका नाम वॉर बॉयज है वो सब बाहर ही रुक जाते हैं। अब ये जिन लोगों का इलाका होता है ये सब के सब एक्सपर्ट बाइकर्स होते हैं। ये अपनी बाइक्स पर मैक्स का
फ्यूरियोसा और फ्यूरियोसा का पीछा करना शुरू कर दें और मैक्स और फ्यूरियोसा एक एक करके यहाँ पर इन सभी बाइकर्स को मार देते हैं। पर इससे पहले कि वो इस जगह से आगे बढ़ते हैं, मोर्टेन जो अपनी गाड़ी से अपने लोगों के साथ इनकी गाड़ी तक पहुँच जाता है। मोर्टेन जो फ्यूरियोसा को गोली मारने वाला होता है कि तभी उन पांचों लड़कियों में से एक लड़की को गाड़ी के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। ये लड़की प्रेग्नेंट होती है, इसके पेट में मोर्टेन जो का बच्चा होता है। इसीलिए मोर्टेन जो उस पर फायरिंग नहीं करता क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ये उसके लिए बहुत जरूरी है, ये उसका वंश है। और वो फ्यूरियोसा की गाड़ी रोकने की पूरी कोशिश करता है। वो अपनी गाड़ी से एक जंजीर फायरिंग करते हैं और वो जंजीर इनके स्टेयरिंग पर अटक जाती है, जिस वजह से ये अपनी गाड़ी को अब कंट्रोल नहीं कर सकते। पर तभी वो लड़की जो प्रेग्नेंट होती है वो गाड़ी से बाहर निकलती है और जंजीर काट देती है। और इससे पहले कि गाड़ी को कंट्रोल कर पाते, ये देखते हैं कि सामने चट्टान है, ये किसी तरह से अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं और इनकी गाड़ी का दरवाजा उससे टकरा जाता है। वो लड़की जिसने जंजीर काटी थी वो अभी गाड़ी के बाहर होती है और जब वो गाड़ी के अंदर आने की कोशिश करती है तो उसका पैर फिसल जाता है और दरवाजे पर लटक जाती है। दरवाजा टूट जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। पीछे से मोर्टेन जो आ रहा होता है, वो उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड टर्न करता है जिससे उसकी गाड़ी पलट जाती है। मोर्टेन जो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और वो देखता है कि उसकी स्लेव जिसके पेट में उसका बच्चा है वो बुरी तरह से जख्मी है, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। ये देखकर मोर्टेन जो डर से कर्रा उठता है। वही मैक्स और फ्यूरियोसा लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। इनकी गाड़ी में मोर्टेन जो का वो आदमी भी छुपा हुआ होता है जिसका नाम नक्स है, जिसने कहानी की शुरुआत में मैक्स को अपनी गाड़ी के आगे बांधा था और उसके शरीर से खून निकालकर अपने शरीर में डाल रहा था। नक्स यहाँ पर बहुत परेशान होता है। वो कहता है कि मुझे मौका मिला था, मैं तुम लोगों को पकड़कर मोर्टेन जो को खुश कर सकता था, अपने साथियों के साथ चलना चाह सकता था, पर मैंने अपने सारे मौके खो दिए। अब गाड़ी में जो चार लड़कियां होती है इनमें से एक लड़की उसे समझाती है, वो कहती है कि शायद तुम्हारा भाग्य कुछ और है। वो प्यार से उसके होंठों पर हाथ लगाती है। नक्स पूरी तरह से शांत हो जाता है। वहीं इनकी गाड़ी को चलते चलते पूरा दिन हो चुका है, अब रात हो जाती है। मैक्स और फ्यूरियोसा देखते हैं कि अभी भी मोर्टेन जो की गाड़ियों का पूरा काफिला इनका पीछा कर रहा होता है। इसीलिए मैक्स जमीन पर डायनामाइट बिछाकर अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है और जब भी मोर्टेन जो का पूरा काफिला उस डायनामाइट के ऊपर आता है तो यहाँ पर ब्लास्ट होते हैं, जिस वजह से इनकी सभी गाड़ियां वहां पर रुक जाती है। एक गाड़ी यहाँ से निकलकर आगे बढ़ जाती है और वो लगातार मैक्स और फ्यूरियोसा की गाड़ी का पीछा कर रही होती है। और इससे पहले कि मैक्स और फ्यूरियोसा यहाँ से निकल पाते, उनकी गाड़ी का टायर एक दलदल में धस जाता है, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। इनके साथ जो नक्स है, जो इन्हें पहले मारना चाहता था, अब वो इनकी मदद करना चाहता है। वो कहता है कि सामने एक सूखा हुआ पेड़ है, हमें गाड़ी की केबल को उस पर बांधना चाहिए ताकि हम अपनी गाड़ी को दलदल से निकाल सके। और अब ये गाड़ी की केबल को सूखे हुए पेड़ पर बांध देते हैं। तभी वो गाड़ी जो इनका पीछा कर रही होती है वो इन तक पहुंच जाती है। वो लगातार इन पर गोलियां चलाती है और इससे पहले कि वो इन सबको मार देते हैं, इनकी गाड़ी दलदल से निकल जाती है। ये गाड़ी लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। मैक्स एक ऑयल का डिब्बा लेकर उस गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है जो इनका पीछा कर रही है, क्योंकि इनके पास हथियार नहीं है। और कुछ ही पलों के बाद फ्यूरियोसा देखती है कि ब्लास्ट होता है। उसे लगता है कि मैक्स मारा गया, पर मैक्स जिंदा होता है। मैक्स ने उनकी गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया होता है, साथ ही वो उनके सभी हथियार भी ले आता है। इसके बाद एक बार फिर से यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद सुबह जब रेगिस्तान से आगे बढ़ रहे होते हैं तो फ्यूरियोसा को एक टावर दिखता है। वो बताती है कि बचपन में मैं जिस जगह रहती थी वहाँ भी ऐसा ही टावर था। ये उस टावर के पास पहुंच जाते हैं। फ्यूरियोसा वहाँ पहुंचने के बाद अपना नाम बताती है, अपने कबीले का नाम बताती है, साथ ही वो अपनी मॉम का नाम भी बताती है। और अगले पल इनके पास बहुत सारे बाइकर्स आते हैं, ये सब की सब फीमेल्स होती हैं। फ्यूरियोसा यहाँ पर अपनी मॉम से भी मिलती है, ये सब फ्यूरियोसा को पहचान लेते हैं। फ्यूरियोसा बताती है कि मेरे साथ जो चार लड़कियां हैं मैंने ग्रीन प्लेस ले जाना चाहती हूँ। तभी एक बूढ़ी औरत उसे बताती है कि जिस तरफ से तुम आ रहे हो वही ग्रीन प्लेस था जो पहले रहने लायक था, पर अब वहाँ रहा नहीं जा सकता। फ्यूरियोसा को सुनकर बहुत दुख होता है। इसके बाद ये सब के सब प्लान बनाते हैं कि ये सूखे हुए समंदर के उस पार जाएंगे ताकि अपने लिए नया घर ढूंढ सके, पर मैक्स इनके साथ नहीं जाता, वो अपनी राह खुद चुनना चाहता है। जब सब के सब चले जाते हैं तभी मैक्स को एक छोटी लड़की के विजन्स आते हैं। वो कहते हैं कि तुमने वादा किया था कि तुम मुझे बचाओगे पर तुम मुझे बचा नहीं सके। मैक्स अपने पास में इस लड़की की जान नहीं बचा पाया था। इस विजन के बाद मैक्स अपनी बाइक से फ्यूरियोसा के पास पहुंचता है। वो उसे कहता है कि जिस तरह तुम जा रहे हो वहां पर नमक के अलावा कुछ भी नहीं है, हमें वापस इमोटेन जो के किले पर जाना चाहिए, वहां पर पानी भी है और हरियाली भी। एक बार अगर हमने उसे अपने कब से मिल लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैक्स की बात से सब सहमत होते हैं और एक बार फिर से उसी गाड़ी से जिस गाड़ी में तेल का टैंकर होता है इमोटेन जो के किले की तरफ जाना शुरू करते हैं। रास्ते में इमोटेन जो और उसके आदमी इनकी गाड़ी को देख लेते हैं। इमोटेन जो समझ जाता है कि किले की तरफ जा रहे हैं क्योंकि किले पर सैनिक नहीं है, इसीलिए किले पर कब्जा करना चाहते हैं। इमोटेन जो अपने आदमियों के साथ इनका पीछा करना शुरू कर देता है। मैक्स और फ्यूरियोसा इनके कई लोगों को मार देते हैं और इमोटेन जो उन चार लड़कियों में से एक लड़की को पकड़ लेता है। और फ्यूरियोसा किसी तरह से इमोटेन जो की गाड़ी तक पहुंच जाती है और वो उसके मास्क को खींच कर निकाल देती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब भी उसके बहुत सारे वॉर बॉयज होते हैं जो इन सबको मारना चाहते हैं। नक्स जो गाड़ी चला रहा होता है उसमें तेल का टैंकर होता है, वो उस गाड़ी को इनसे टकराता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये सब के सब मारे जाते हैं। वहीं फ्यूरियोसा बहुत कमजोर हो जाती है। मैक्स समझ आता है कि उसे ब्लड की जरूरत है, इसीलिए उसकी बॉडी में अपना ब्लड ट्रांसफर करता है जिससे नॉर्मल हो जाती है। और अभी इमोटेन जो के किले तक पहुंच जाते हैं। वहां पर सैनिक भी होते हैं और जब इमोटेन जो की डेड बॉडी दिखाते हैं तो वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं और नारा लगाते हैं कि इन सबको ऊपर आने दो। इमोटेन जो मारा गया इसलिए यहाँ पर पानी भी खोल दिया जाता है। पानी देखकर सभी लोग झूम उठते हैं। वहीं किले के अंदर जितने भी वॉर बॉयज होते हैं वो फ्यूरियोसा और इमोटेन जो की चारों पत्नियों का स्वागत करते हैं, यानी कि अब इस किले पर इन सबका अधिकार है। और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। जो नए हैं चैनल पर, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और यहाँ तक देखो, तुम्हारे इसे कंजूस दुनिया में कोई नहीं भाई, फ्री होता है सब्सक्राइब करना, पैसा भी नहीं लगता। पता है, अगर तुम लोग चाहो मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगा बाद में तो तुम अनसब्सक्राइब कर सकते हो, तुम्हारा माइंड तुम अपना चेंज कर सकते हो, बट नहीं, तुमको सब्सक्राइब नहीं करना है भाई। बिना सब्सक्राइब किए कमेंट कर दो, शर्म करो भाई।